नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैब्रियला दिमित्रियादिस के बारे में, जो पेशे से एक्ट्रेस और एक मॉडल है। गैब्रियला का जन्म 8 अप्रैल 1987 को पोर्ट एलिजाबेथ ईस्टर्न केप में हुआ था। उनके पिता का नाम किरियाकोस दिमित्रियादिस है और वह पेशे से एक बिजनेसमैन है। उनकी माँ का नाम किया दिमित्रियादिस है, जो पेशे से एक आर्टिस्ट है। उनके भाई का नाम एजिसिलोस दिमित्रियादिस है। गैब्रियला ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से की। दोस्तों, बचपन से ही वह एक मॉडल बनना चाहती थी। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2009 में जब दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल मैच आयोजित किए गए, तब उन्हें मिस इंडियन प्रीमियर लीग बॉलीवुड का खिताब मिला। उन्हें 48 अन्य दक्षिण अफ्रीकी प्रतिभागियों में से चुना गया था। उन्होंने आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स का प्रतिनिधित्व किया था और वर्ष 2012 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक डिजाइनर कपड़ों के लेबल डीम को लॉन्च किया। उनका परिवार 1974 से दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में लिटिल एंजल नामक एक कपड़ों की दुकान और सिलाई में काम आने वाली चीजें जैसे कि बटन, धागे और सुइयों की दुकान चला रहा है। गैब्रियला को FHM मैगजीन ने 100 सेक्सीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड के कवर पेज के लिए चुना गया। गैब्रियला ने वर्ष 2012 में आयशा माइक्रोमैक्स मोबाइल्स का विज्ञापन भी किया था। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस तेलुगु फिल्म के मशहूर अभिनेता अक्कीनेनी नागार्जुन के साथ फिल्म ओपीरी में अभिनय किया। वर्ष 2014 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सोनाली केबिल में अभिनय किया। सूत्रों के अनुसार गैब्रियला और अर्जुन रामपाल एक संबंध में हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी हॉबीज के बारे में। उन्हें ट्रैवलिंग, रीडिंग और कुकिंग बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।